देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या कि लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेमडा की वैल्यू हमको मालूम करना है, और ये थ्री इक्वेशन सिस्टम है, और इस सिस्टम में गिवन है कि इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। तो मैट्रिक्स मेथड से या डिटरमिनेंट मेथड से हम लोग पहले तो डेल्टा इक्वल टू मालूम करेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू एक्स का वाई और जेड का कोफिशियंट का डिटरमिनेंट होता है। तो पहले एक्स का कोफिशियंट 2, 1 और 1 रखेंगे, फिर वाई का कोफिशियंट 1, -2 और लेमडा है, तो -1, -2 और लेमडा। फिर जेड का कोफिशियंट 2 लेमडा और 1 होगा। इस तरह से डिटरमिनेंट की वैल्यू है। अब कह रहा है नो सॉल्यूशन होने के लिए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, एंड एनी वन ऑफ दिस डेट इज Δ1 और Δ2 और Δ3, ये नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, एटलीस्ट एनी वन ऑफ दिस। तो सिर्फ डेल्टा इक्वल टू 0 निकाल के देखते हैं पहले। तो डेल्टा इक्वल टू 0 निकालेंगे तो 2 × -2 -λ² माइनस माइनस +1 × 1 -λ, फिर +2 × λ +2 इक्वल टू 0 आएगा। इससे हमें बोले हैं लेमडा -4 -2λ² +1 -λ +2λ +4 इक्वल टू 0। तो -2λ² +λ, 4 4 कैंसिल हो जा रहा है, तो +1 = 0। तो इक्वेशन 2λ² ये -λ -1 = 0, तो लेमडा इक्वल टू -b -b² -4ac बाई 2। तो 1 ± 3/2, तो लेमडा की दो वैल्यू मिलेगा, एक तो वैल्यू आएगा 2 और लेमडा की वैल्यू, दूसरा वैल्यू आएगा -1। अब इन नो सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पर ही हम देख रहे हैं कि लेमडा की दो वैल्यू कंसिडर कर रहा है, तो कंटेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स होगा, इसका मतलब लेमडा की दो वैल्यू मिलेगा। तो यहीं पे हम बोल सकते हैं कि बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए मैट्रिसेस है जो 2 × 2 ऑर्डर का है, तो उसका एलिमेंट हम लोग कंसिडर करते हैं ए बी सी डी इस तरह से, जहाँ कि ए बी सी डी की जो वैल्यू है आइदर 0 होगा और आइदर 1 होगा। तो ए बी सी डी की वैल्यू इस तरह से पुट करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए मालूम करते हैं, तो ए डी -bc होगा। अब यहाँ पर क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं जिसके थ्रू डिटरमिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। तो ए की वैल्यू यदि हम 0 और डी की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो बी की वैल्यू 1 और 1 पुट कर देंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 आ जाएगा। यहाँ पर इस तरह से रखेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाएगा। ए 0, D 1, B 1 और A C 1। तो इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, तो 1 × 0 0 और -1, ए नॉट इक्वल टू 0 आया। तो मतलब 0 और 1, 1 और 1 एग्जिस्ट करेगा। ऐसा और कितना वैल्यू ए और डी पुट करेंगे, ए बी सी डी की वैल्यू पुट करेंगे जिसमें से डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं ए की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 0, फिर बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू भी 1 रखेंगे। तो इससे हमारे पास इसका भी डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा। फिर ए 1 और 1 रखेंगे, फिर बी और 0 और 1 रख सकते हैं, फिर ए 1 और 1 रखेंगे, फिर इसको 1 और 0 रख सकते हैं, फिर ए 1 और 1 रखेंगे, और ये दोनों 0 0 हो जाएगा। अगर इसे दोनों 0 रखेंगे तो 1 1 हो जाएगा। इस तरह से सारे में डिटरमिनेंट निकालेंगे तो
तो जीरो नहीं आएगा। लेकिन अगर देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं तो ए माइनस वन आएगा, इसके अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट निकालते हैं तो भी माइनस वन आएगा, इसके अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वन आएगा, इसके लिए डिटरमिनेंट निकालेंगे तो भी वन आएगा, इसके लिए डिटरमिनेंट निकालेंगे तो भी वन आएगा, इसके लिए डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये माइनस वन आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं अब इसी के अकॉर्डिंग आंसर पूछा गया पी स्टेटमेंट। पी स्टेटमेंट में बोला जा रहा है क्या, इफ ए इज नॉट इक्वल टू आई टी, आई टू मीन्स सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, मतलब 1 0 0 1 ऐसा नहीं है, ए ए के इक्वल नहीं है, तो ऐसा कोई भी डिटरमिनेंट नहीं बन रहा है, कोई भी मैट्रिसेस नहीं बन रहा है। इसको अगर लिखेंगे तो इसको लिखेंगे तो 1 0 1 1 ए भी आई नहीं है, फिर इसको भी रखेंगे तो 1 1 और वो 0 1 ए भी आई नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ भी मैट्रिसेस रखेंगे जो भी एलिमेंट कंसिडर किया एक भी आई मैट्रिक्स नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो इसका अब कह रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑलवेज माइनस वन होगा, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस केसेस के डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस वन हो रहा है लेकिन इस केसेस के डिटरमिनेंट ऑफ ए वन हो रहा है, ये सारे जो वैल्यू है डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है, क्योंकि ए की वैल्यू हम 0 1 ऐसा से एलिमेंट पुट करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मिलेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ऑलवेज माइनस वन तो नहीं हो रहा है, इसलिए पी का स्टेटमेंट जो होगा फॉल्स हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा। फिर क्यू स्टेटमेंट देखते हैं, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू वन, हमें वैसा मैट्रिक्स लिखना है जिसका डिटरमिनेंट वन आ रहा है, तो इसमें से इसका मतलब हमें सिर्फ इस मैट्रिक्स के बारे में बोला जा रहा है और इस मैट्रिक्स के बारे में बोला जा रहा है और इस मैट्रिक्स के बारे में बोला जा रहा है जिसका डिटरमिनेंट वन आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे दोनों मैट्रिक्स में जिसका डिटरमिनेंट वन आ रहा है उसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में इस तरह से 1 1 और 0 1 पहला के लिए, फिर दूसरे के रखेंगे तो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में 1 1 और 1 0, तीसरा को रखेंगे मैट्रिक्स के फॉर्मेट में तो 1 1 0 0 इस तरह से आ रहा था। जिसका डिटरमिनेंट 1 है उसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 2 आ रहा है, तो 1 प्लस 1 2, डायरेक्ट ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स मतलब सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, तो इसमें भी 2 आ रहा है तो सारे में 2 आ रहा है, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 ट्रू होगा। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है, तो ए करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, साइन इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का हमें डोमेन मालूम करना है। तो डोमेन मालूम होने के लिए हम लोग को पहले साइन इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो इसमें एक्स की वैल्यू -1 से +1 तक होगा तो ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिफाइन होगा। तो सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ एक्स में इस एक्स की जगह पर जो भी वैल्यू रहेगा उसे हमें -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, तो लिखेंगे एफ एक्स इज डिफाइन या साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज डिफाइन मॉडुलस ऑफ एक्स +5 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 टू +1, ये साइन इनवर्स एक्स डिफाइन होने के लिए। तो एक्स स्क्वायर +1 हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है इसलिए हम दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एक्स स्क्वायर +1 फिर एक्स स्क्वायर +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -एक्स स्क्वायर -1। अब इस इनइक्वालिटी को ब्रेक करने के लिए पहले हम पेयर वाइज कंसिडर करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर +1 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स +5 लेते हैं, दोनों को बारी बारी से लेंगे, पहले यहाँ तक ले लेते हैं फिर इसको यहाँ तक लेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर की जगह पर मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसके लिए एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स को अगर टी कंसिडर कर लेते हैं तो हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स को टी कंसिडर किया
टी के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले इक्वल टू 0 के लिए हम लोग ये रूट मालूम कर लेते हैं क्या आएगा। तो इक्वल टू 0 के लिए टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 इक्वल टू 0 के लिए टी की वैल्यू मालूम करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इस तरह से आएगा, 1 प्लस माइनस रूट अंडर 17/2, ये टी की वैल्यू है। तब इसे इनइक्वलिटी को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि टी की वैल्यू 1 माइनस रूट अंडर 17/2 और 1 प्लस रूट अंडर 17/2। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नेचर हम जानते हैं, ये एक्सप्रेशन है। तो एक टी स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है तो 1 पॉजिटिव होगा, तो इधर सेम साइड हो, ये साइड भी पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव और इस साइड भी पॉजिटिव, ऐसा साइन आता है। तो इसका मतलब टी की वैल्यू क्या होगा, टी ग्रेटर देन 1 प्लस रूट अंडर 17/2 एंड लेस देन 1 माइनस रूट अंडर 17/2 पॉजिटिव वैल्यू के लिए, ये टी की वैल्यू है। अब हम एक्स की वैल्यू ढूंढना है, तो सीन से है टी इज इक्वल टू मोडलस ऑफ एक्स है, और टी की वैल्यू हम लोग जान रहे हैं टी ग्रेटर देन 1 प्लस रूट अंडर 17/2, टी की वैल्यू इससे बड़ा होगा। तो मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस रूट अंडर 17/2, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस रूट अंडर 17/2 एंड एक्स लेस देन इक्वल टू -1 प्लस रूट अंडर 17/2, एक्स की वैल्यू आएगा। इससे हमें पहला दो पेयर से इक्वेशन एक्स की वैल्यू मिला, फिर इस दो पेयर से एक्स की वैल्यू निकालते हैं, दो पेयर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 5। इसमें लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखेंगे कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखेंगे एक्स का कोफिशियंट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होगा। सो मॉडुलस ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो इसमें एक्स की कोई भी वैल्यू डिफाइन होगा। अब इसके लिए एक्स की वैल्यू 1 से बड़ा और ए, तो यहाँ पर हम दोनों के लिए कॉमन वैल्यू ढूंढेंगे, तो कॉमन वैल्यू यही आ रहा है, एक्स की वैल्यू -1 प्लस रूट अंडर 17/2 और 1 प्लस रूट अंडर 17/2। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू इससे बड़ा आ रहा है और इससे छोटा आ रहा है, तो यहाँ पे डेट इज द हमें डोमेन क्या मिल गया, माइनस इन्फिनाइट से 1 प्लस रूट अंडर 17/2 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 प्लस रूट अंडर 17/2 से इन्फिनाइट तक, ये हमें डोमेन मिल गया। अब इस डोमेन में ही हमें गिवन है इसी के फॉर्मेट में, तो मैच कर रहा है कि ए की वैल्यू यहाँ पे या इसी इंटरवल में ए की वैल्यू क्या आ रहा है, 1 प्लस रूट अंडर 17/2, तो ए की वैल्यू पूछ रहा था, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।